हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ चैप्टर फैक्टर एंड मल्टीपल्स। फैक्टर एंड मल्टीपल्स के चैप्टर में बच्चों हम सीखेंगे कॉमन मल्टीपल्स निकालना। क्या निकालना? कॉमन मल्टीपल्स। बहुत ही आसान सा टॉपिक है बच्चों। अब देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 और 14। 12 और 14 के आपको कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं। तो सबसे पहले तो हमें मल्टीपल बताने पड़ेंगे 12 के, है ना। तो क्या लिख देंगे हम? मल्टीपल्स ऑफ 12 के मल्टीपल्स निकालेंगे। तो मल्टीपल क्या होता है? 12 की 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 4 से, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए। जितने मर्जी आपको हैं उतने मर्जी आप मल्टीपल्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम 12 के मल्टीपल निकालेंगे, 1 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 24, है ना। तो इस तरीके से हम इसके मल्टीपल्स लिख देंगे, ठीक है बच्चों। आप इसके मल्टीपल्स लिख सकते हो ना ऐसे, ये देखिए। अब आगे भी होते हैं तो इस वजह से हम डैश डैश लगा देते हैं। अब हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 14, मल्टीपल्स ऑफ 14। तो इसी तरीके से हम 14 के मल्टीपल्स लिख देंगे, इस तरीके से डैश डैश लगा के, ठीक है बच्चों। अब देखिए, इन सारे में और इन सब में आपको कोई कॉमन नजर आ रहा है कि दो ऐसा है कोई नंबर जो दोनों में हो? तो क्या नजर आ रहा है बच्चों? ये देखिए, 84 दोनों में है ना, और कोई अभी तक तो कोई है नहीं। अगर आप इसके आगे तक भी मल्टीप्लाई करते चले जाओगे तो हो सकता है एक दो कॉमन मल्टीपल्स इसका और आ जाए, ठीक है। लेकिन हमें अगर ज्यादा लंबा क्वेश्चन बन रहा है तो उसको ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। अगर एक ही नजर आ रहा है तो हम एक ही लिख देंगे, ठीक है। कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 और 14 इज इक्वल टू 84, और ऐसे डैश डैश लगा देंगे। इससे क्या होता है कि हमारा जरूरी नहीं है कि 84 इसमें एक ही कॉमन मल्टीपल्स है, हो सकता है बहुत आगे तक जाने के बाद आपका कोई और दूसरा मल्टीपल्स भी इनका आपको पता चल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। और अगर पहले ही दो तीन कॉमन नजर आ रहे हैं तो उन सबको हम हमारे आंसर में लिख देंगे, क्लियर है। इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर हमें सिर्फ कॉमन मल्टीपल पूछे गए थे, अब छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल, सिर्फ एक ही मल्टीपल पूछा गया है और वो छोटे से छोटा मल्टीपल। अब देखिए, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है 28 और 56, तो क्या लिखेंगे हम? मल्टीपल्स ऑफ 28 के मल्टीपल्स 28, 56, 84, ठीक है। फिर मल्टीपल्स ऑफ 56 का 56, देखिए आगे आपको करने की ही जरूरत नहीं है क्योंकि यही मिल गया ना हमें पहला। 56 यहाँ भी है और 56 यहाँ भी है। अब इसने तो छोटे से छोटा पूछा था, तो छोटे से छोटा यही है, और अगर आगे कॉमन आएंगे भी तो वो बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 56 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, क्लियर है बच्चों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व कर लेंगे।